नॉर्मल बढ़िया सा प्रपोज मारेंगे और एंड कर देंगे लेवल। टीम का सपना पूरा होने वाला है, या तो उसका सपना पूरा होगा या तो उसका दिल जुड़ेगा या तो टूटेगा। भाई कोई दिक्कत नहीं, पर लेकिन ना दिल की बात ना यूं बाहर निकाल दूंगा। तो मतलब आज ये फाइनली जा रहा है अपना अपने प्यार का इजहार करने। यार मेरे को सब पता है भाई, मेरे को बाद में पता लगा, ठीक है, जब मेरी फीलिंग स्टार्ट हुई थी तेरे लिए, लेकिन बाद में पता लगा कि तो ये पता लग गया था ना तुझे, तो अपनी फीलिंग्स को तुझे कंट्रोल करना चाहिए था। क्या कुछ मत कर भाई, मैं तो जस्ट तेरे को बोल रहा हूँ ना, तो समझ ही नहीं रही बात। अबे डर क्यों रही। अच्छा चल रहे, नहीं छुरा बस। अभी यार मेरे को पता है बहुत सारे लोग ना ब्लॉग्स देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी दबा दो ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन आए। तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सारे, वेलकम टू माय व्लॉगिंग चैनल, आई होप आप सारे अच्छे हो गए। तो अभी हम जा रहे हैं जिम। ये क्या है, ये टुंडा क्यों रखा हॉकी जैसा? तो एक केला इज मोर देन इनफ। जिम में ज्यादा भीड़ तो नहीं होगी ना? नहीं, मैं तो लस्सी भी रखी यार, मीठी वाली पी, अभी लस्सी भी कर, बादाम और वड़ा ले किशमिश डाल के। मेरे को ना इतनी देर से लग रहा था कि यार कुछ मिसिंग है मेरे में, एनर्जी क्यों नहीं आ रही, मतलब मैं थोड़ा डल सा फील कर रहा था। तो अभी मेरे को याद आया आज मैं कॉफी पी के नहीं आया हूं, तो अभी हम कोई कॉफी की दुकान ढूंढ रहे हैं। तो यार जब तक मेरे मुंह में कॉफी नहीं जाएगी ना, मेरे में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं आएगी, मेरे से वर्कआउट भी नहीं होगा। तो जो ये कॉफी का पाउच है 10 रुपए वाला है, पर जो 2 रुपए का पाउच होता है ना, दैट इज मोर देन इनफ। तो मैं बस थोड़ी सी कॉफी डालूंगा, अगर इतनी सारी कॉफी पी ली ना तो भाई साहब भगवान को प्यारा हो सकता हूँ मैं, या मेरे को पूरा दिन एंजाइटी हो सकती है। तो बस थोड़ी सी कॉफी पियेंगे और ये हमने ना ढक्कन खोल के रखा हुआ है। जब हम वर्कआउट करते हैं पसीना क्यों आता है? पसीना मतलब कि भाई तुम कर रहे, मतलब जो भी है, जो हमारे सेल्स होते हैं वो अपना वो छोड़ देते हैं सारा, अंदर की गंदगी बाहर छोड़ देते हैं और अपना यही होता है। और क्या होता है? होता है मतलब लोग कहते हैं ना कि जैसे पसीना आ रहा होता है इसका मतलब फैट बर्न हो रहा है, तो गाइस ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं, बेसिकली जो बॉडी होती है ना, जब आप पसीना आता है तो वो वाटर निकाल रही होती है आपकी बॉडी से। जितना ज़्यादा पानी पियोगे उतना ज़्यादा पसीना आएगा। पहले मुझे भी ये बहुत रॉन्ग कंसेप्शन था कि मतलब मेरा फैट लूज हो रहा है, मैंने स्टेटस डालता था सी माय फैट इज क्राइंग। कि भाई जरा अपना चश्मे दिखाइयो, हाँ, उसके चश्मे बहुत सही लग रहे हैं यार। बहुत लोग की कह रहे थे यार पंजाबी बोलिया करो, यार इन्नी पंजाबी तो आंदी नहीं, पर फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं। एक्चुअली ना आप देहरादून च रहते इतने ना, लोग ज़्यादा पंजाबी बोलते नहीं, अवलीन भी आती है पर थोड़ा बहुत ना हटाइट ही है। जे आप पंजाब शिफ्ट हो गए ना तो आप फिर भी सीख लेंगे पंजाबी। 10 दिन का काम है, मात्र 10 दिन, 10 दिन पंजाब के लोगों में रहना आप, बस 10 दिन पंजाबी हो जानी है वधिया। कैंट सिरा ओका। तो गाइज मैं ना एक सोच रहा था कि यार थोड़ा सा ना एक म्यूजिक सेशन कर लेते हैं, तो अवलीन आ जा सिंग विद मी। आवाज तो बेसुरी ही है लेकिन बताना अगर मेरी आवाज ठीक लगी तो एक गाना भी निकाल देंगे। 1 2 3 एंड गो। ओ कॉलेज वाली जीटी रोड तो किन्ने राम निकले, कुछ नूं मिली नौकरी कुछ होके तबाह निकले। कॉलेज वाली जीटी रोड तो किन्ने राम निकले। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना जो हमने बेसुरा सा गाना गाया ये आपको कैसा लगा। अपना बना के सौ कसमा खवा के साडा हाल किता रांझणे दी हीर वांगरा, दिल दे शोरूम उत्ते रखूंगा सजा के तेनू सोनी नी सोनी तस्वीर वांगरा। अपना बना के सौ कसमा खवा के साडा हाल किता रांझणे दी हीर वांगरा, दिल दे शोरूम उत्ते रखूंगा सजा के तेनू सोनी नी सोनी तस्वीर वांगरा। सुनो थोड़ा बहुत ना रैप भी होना चाहिए, तो एक रैप गाते हैं भाई, तू बीट बॉक्सिंग करते आती है? चलो 1 2 3 एंड गो। देखो तो इधर मेरे गली में है घर छोटे छोटे लेकिन जरा देखो दिल में है जगह बेशुमार, दे पुकार कभी भी गली से मदद लेने को तैयार। गरीबी चलेगी लेकिन फरे भी करेंगे नहीं, जले भी तलेंगे लेकिन पटली रुकेगी नहीं, जहां भी चलेंगे देखो हटेला झुकेगा नहीं, क्यों? क्योंकि हटेला है मेरी गली का तरीका सलीका सिकेला है, रोशन है चौकट अवली बमा लिया, रौनक बॉम्बे की चौली कमा लिया, शौकत बहुत अच्छा मोहब्बत वा लिया, दौलत शौलत जाके कमा लिया, बंटा बच्ची बमाए। भूल गया। तो भाई साहब अभी सब लोग घर आ रखे हैं और एक ना नेक्स्ट लेवल चीज प्लान हो रही है जो मैं अभी रिवील नहीं करूंगा, बट आने वाले टाइम में बहुत जल्द रिवील कर दूंगा, क्योंकि ना कई बार सीन ऐसा होता है रिवील कर देते हो ना और बाद में वो चीजें सक्सेसफुल नहीं होती, तो भाई बहुत ज्यादा गाली पड़ती है। बाकी जो कल का सीन है वो सीन थोड़ा ऐसा है, कल हम जा रहे हैं दिल्ली, बाकी मेरे साथ मेरी दादी भी जा रही हैं। तो बस आपको बताता हूं अभी क्या होने वाला है, मैं दादी पे जाऊंगा, मैंने दादी को बस इतना बोलना कि दादी कल मैंने दिल्ली जाना है तो चलोगे, तो दादी सीधा कहेंगी चलो। मतलब मेरी दादी ऐसी है, मेरी दादी कभी भी किसी चीज के लिए मना नहीं करती, मैं उनको कुछ भी बोलूंगा ना मैंने ये करना है, दादी कहेंगी तेरे को जो करना है ना तू वो कर, जो तेरा दिल कहता है हम तेरे साथ खड़े हैं। तो अभी जाते हैं दादी पे और दादी से जाने की बात करते हैं। तो अपनी दादी जरा सो रही है तो दादी को उठाते हैं। दादी हाँ जी हेलो, आप सो रखे हो? मैं कह रहा हूँ कल दिल्ली जाना है। कल हाँ सुबह रेडी रहना 5 बजे। मेरे को मैं भूल गया था, मैं आपको सोच रहा हूँ सुबह से बोलूँ जाना है। अब जाके याद आया, आप मैं और अवलीन बस 3 लोग जाएंगे। अवलीन अरे हाँ टीम का लड़का है बस, ठीक है फिर सुबह रेडी हो जाना, सामान पैक कर लो।
दादी 3-4 दिन तक तो देख लो, 10 दिन से कम लगता ही नहीं। नहीं अब तो अरे क्या हो गया यार, अब चले जाओ। बाकी मैं ना यही इनको बता रहा था, मैंने कहा मैं दादी को बोलूंगा, दादी किसी भी हालत में, दादी मुझे मना नहीं कर सकती। मैं कहा दादी को एक बार बोलूंगा दिल्ली जाना, दादी कहेंगी हाँ जी चलो। वही चीज हो गई, भाभी मम्मा कहाँ है तेरी? मम्मा अंदर है, बुलाओ। बाकी डन है ना? हाँ, दादी आप सामान पैक कर लो, और किसी भी हालत में सुबह 4:30 या 5 बजे निकल जाएंगे, नहीं तो ट्रैफिक हो जाएगा बहुत ज्यादा, क्योंकि फंसना नहीं है, है ना। मैं ना सुबह जाना ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि अगर हम लेट करते हैं ना तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, और मैं बिल्कुल भी ना ट्रैफिक में फंसना पसंद नहीं करता, क्योंकि यार बिल्कुल भी ना पेशेंस नहीं है ट्रैफिक में रुकने का। तो सुबह 5 बजे निकलेंगे तो आराम से 8:30-9 बजे पहुंच जाएंगे और मजा आने वाला है। ये सारा दिन क्लब हाउस कब चला लिया भाई? मैं क्यों भाई नहीं चलाता क्लब हाउस बता दे, देख के ही सीखा हूं मैं। पर्दाफाश कह रहा ना, मैं क्लब हाउस नहीं चलाता भाई। वैसे ना मैंने देखा जितने वेले है ना, जितने वेले सबके सब क्लब हाउस चला। अरे भाई बंदे ऑनलाइन होने के बाद भी ऑफ दिखाता है नोटिफिकेशन, शक्ल देखो उसकी, नोटिफिकेशन ऑफ हो जाती है मुझे। इसको देख के मैंने मम्मी कसम सुन, तू मेरे को 22 घंटे पहले ऑनलाइन आया, ठीक है 22 घंटे पहले आया, बट तेरे को देख के मैं क्लब हाउस सीखा हूं। एक दिन तो आया था, पूरी रात लगे बट अब तो छोड़ दिया हमने, तो छोड़ अब नहीं। अब ऐसे की रियलाइजेशन हो गई, रियलाइजेशन नहीं भाई। भाई इसका कल मैसेज आया साहब को, मैंने क्लब हाउस छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं बस यूज नहीं कर रहा भाई काफी दिन से, स्टॉक इकट्ठा हो चुका है इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। अब मैंने स्टॉक, तू भी शुरू कर दे। अरे वो सिंगलों के लिए है, सिंगल बंदों के लिए, उसने स्टॉक इकट्ठा कर लिया बढ़िया। नहीं क्या, जब वो स्टॉक खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर दोबारा जाऊंगा, एक एक दो दो घंटे मतलब पूरे दिन रहूंगा, स्टॉक इकट्ठा करूंगा फिर जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि उस पर गंदी चलता है, उस पर कुछ कुछ अच्छे ग्रुप्स भी हैं, कुछ अच्छे ग्रुप्स भी हैं जो नॉलेज देते हैं। वहाँ पे सिंगिंग सेशन चलता है, देखिए वाइन 969 ये चलेगा तो गंद चलता है, वाइन 969 रोका ठोका ठोका। हम ये सब नहीं करते। एक हमारा तो बकचोदी का अलग ग्रुप चलता है भाई, जिसमें बातें वैसे वहाँ पे नॉलेजेबल ग्रुप भी तो है, बहुत नॉलेज है भाई, हम कितने सारे सिनेमेटर हैं यार। डिपेंड करता है आप उसको नेगेटिवली यूज कर रहे हो या पॉजिटिवली यूज कर रहे हो। पर मैं क्लब हाउस में इसलिए नहीं गया, मैंने कहा ऐसा ना हो साला मैंने डेली व्लॉग करना और मुझे एडिक्शन हो गया और मैं यहाँ व्लॉग की जगह रोज क्लब हाउस कर रहा हूँ। बहुत गंदी एडिक्शन है, मैं साफ बात बता रहा हूँ, बहुत गंदी। मतलब लिटरली मेरे साथ ही हुआ है 3 दिन तक लगातार, वरना मेरा पहले होता था अपना काम करता था यहाँ पे आ गया, वरना सुबह उठा क्लब हाउस सोया, क्लब हाउस उठा क्लब हाउस सोया, क्लब हाउस ये है। हमें क्लब हाउस के थ्रू मेहर भी तो मिला, हमारा दोस्त है भाई, बहुत बहुत। बाकी गाइस कमेंट करके बताओ कि व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट क्लब हाउस एंड क्लब हाउस इज गुड और बैड, लाइक आप क्या सोचते हो उस बारे में। वैसे ना आज अवलीन बहुत ही ज्यादा बिजी था, पर मैंने इसको अपने घर बुलाया। कल हमने एक्चुअली दिल्ली जाना था, शॉपिंग करने जा रखा था। अब ना मेरे दिमाग में ना एक बहुत ही खुराफाती आइडिया आया, वो ये आया कि मैंने कहा यार देखो अब कोमल है रिलेशनशिप में, ठीक है, तो मैंने कहा कोमल के साथ में एक प्रैंक करते हैं कि अवलीन आएगा और अवली मतलब मैं ना कैमरे को मेरे छुपा दूंगा, और अवलीन क्या करेगा, अवलीन बता। कोमल को प्रपोज करेंगे, उसका रिएक्शन और उसका आंसर देखेंगे, और एक्टिंग देखना तुम्हारे भाई की कितनी जी फाड़ करेंगे एक्टिंग। व्लॉग आज ही रिकॉर्ड करूंगा मैं ना, एक्चुअली ये 2 पार्ट में बनाने वाला हूँ, तो जो कोमल का रिएक्शन है वो मैं डालूंगा 2 दिन तक, पहले थोड़ी बहुत हाइप क्रिएट करेंगे भाई। ये ना मैं कैमरे को मेरे छुपा रहा हूँ, ये कोमल को जाकर प्रपोज मार रहा है अभी, ये उसे बोलेगा बताया क्या बोली, सुन भाई 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 यही एक्सपेक्टेड है जैसे मैं जो 4 साल बड़ी लड़की को अप्रोच कर रहा हूं, पूरा जाकर से प्रपोज मारी हूं, मना ऑब्वियसली रिलेशनशिप में मना करेगी नहीं, अभी मैंने सोचा नहीं फ्रेंडशिप, मुझे बुरा नहीं लगेगा। अरे वो तो भाई करे ऑब्वियसली रिलेशनशिप में लड़की मना ही करेगी, और उसने पीछे पड़ गई बोली यार मैं हाथ काट दूंगा यार भाई देख ले, एक ब्लेड भी दे देना, एक ब्लेड ठीक है आपको कॉल भी, शराब क्यों पीनी, ब्लेड मैं पीता ही नहीं भाई, ब्लेड ब्लूट से ना चक्कू हाँ या ना हाँ या नहीं, नहीं भाई वो ना वो ओवर एक्टिंग लगेगी, मतलब तू ना उसको मतलब मैं नॉर्मल बढ़िया सा प्रपोज मारेंगे और एंड कर देंगे लेवल। इनका सपना पूरा होने वाला है, या तो उसका सपना पूरा होगा या तो उसका दिल जुड़ेगा या तो टूटेगा, भाई कोई दिक्कत नहीं, पर लेकिन ना दिल की बात ना यूं बाहर निकाल दूंगा, मतलब आज ये फाइनली जा रहा है अपना अपने प्यार का इजहार करने। तो गाइस बेसिकली ना अभी जो कोमल घर आई है ना, कोमल आई है अपनी एडिटिंग कराने, तो अवलीन ना इसकी एडिटिंग कर रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ जो गोप्रो है ना, गोप्रो को हम यहाँ रख देंगे, एक कैमरा मैं पीछे लगा दूंगा, बाकी भाई मतलब आज कर दियो प्रपोज, वो तो पता ही ऑब्वियसली नो बोलेगी, भाई देखते जाओ बस आज तुम्हारा भाई ना, पहले थोड़ी बहुत एडिटिंग करियो उसके बाद। अरे कोमल कोमल बात सुन यार, कैसे करूंगा यार, थोड़ी डर सा भी लग रहा है, बट कोई नहीं चलो भाई, ऐसा चांटे पड़ जाए, देखो भाई अगर अकेले हूँ ना चांटे तो नहीं मारेगी। तो अपने सामान की पैकिंग स्टार्ट हो चुकी है, बाकी जो आज का दिन था ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया, मतलब कुछ ना कुछ नुकसान हो ही जा रहा है। आज अपना इंट्रो उड़ गया जो हमने इतनी मेहनत से बनाया था, फिर उसके बाद अपने एयरपॉड्स खो गए, एयरपॉड्स खोने के बाद अपना जो कैमरा है
अपना कैमरा भी नहीं चल रहा है, इस कैमरे की डिस्प्ले ऑन नहीं हो रही है, तो पता नहीं आज ना सारे काम ही बेकार हो ही जा रहे हैं। बाकी मम्मी आ चुकी हैं, एज ऑलवेज मम्मी सारा सामान पैक करने वाली हैं और मम्मी खुद परेशान हो रखी हैं। तो तुम लगा लो सुबह 5:30 से मम्मा उठी हुई हैं और काम कर रही हैं अपना, मम्मा ट्यूशन एंड ऑल भी पढ़ाती हैं तो ट्यूशन में भी लगी हुई हैं और अब आगे बैग भी पैक करा रही हैं। तो देखो यार जितने भी कपड़ों का डिपार्टमेंट है ना सारे मम्मा हैंडल करती हैं, मेरे को लिटरली कुछ नहीं पता होता कि मैंने कौन सा कपड़ा आज पहना और वो कहाँ गया और कब धुल के वापस आ गया। तो ये सारा डिपार्टमेंट मम्मा के हाथ में है। बहुत ज्यादा ना अनफ्रेश फील कर रहा था तो अभी अभी नहा के आया, मैंने कहा अब आप लोगों से बात करता हूँ। तो यार देखो सीन ऐसा है, जो आज प्रैंक हुआ है ना मतलब कोमल वाला इतना सही हुआ है। अवलीन ने क्या एक्टिंग करी है और कोमल के क्या रिएक्शन आया, मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि आज अवलीन की पिटाई ना हो जाए। तो देखो जो थोड़ा सा जो प्रैंक था ना मैंने वीडियो के आगे लगा दिया तो आपको आइडिया मिल चुका होगा जो प्रैंक है वो कितना एक्साइटिंग हो रखा है। लेकिन मैं प्रैंक कल नहीं डालूंगा, उसका रीजन ये है कि मैं दादी के साथ महिंद्रा थार पे ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं दादी का एक बार एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करना चाहता हूँ क्योंकि दादी मेरी गाड़ी में फर्स्ट टाइम बैठ रही है यार। तो यार दादी का एक्सपीरियंस और एक्सप्रेशन लेना तो बनता ही बनता है। बाकी जो व्लॉग है वो परसों आ जाएगा और व्लॉग इज गोना बी अमेजिंग। तो थोड़ा सा जो टीजर है मैंने आगे डाल दिया है तो ये टीजर देख के मेरे को जरूर बताना कि मतलब आपको क्या वाइब आ रही है। जो व्लॉग है वो एक नंबर होने वाला है ना। तो आज हमने सिर्फ दिखाया कि हमने कैसे कैसे सेटअप किया था, कैमरा यहाँ लगाया था यहाँ लगाया था, हमने जो पूरा व्लॉग बनाया ना वो आज में ही शूट करा है, डलेगा दो पार्ट्स में क्योंकि अगर मैं अलग अलग दिन पे शूट करता ना तो कोमल को ऑब्वियसली यार वो बेवकूफ तो है नहीं, वो चेक ही कर लेती कि मैंने व्लॉग डाला है कल प्रैंक होने वाला। तो जो आज का बेस्ट कमेंट है वो मारा है जसमीत सिंह एजरॉट ने, दिस इज माय फेवरेट चैनल, आई स्पेशली लाइक द वे यू मेक व्लॉग्स सो नाइसली, आई विश लॉट ऑफ सक्सेस विद द चैनल एंड हैप्पी लाइफ। गाइस डेली व्लॉग्स आ रहे हैं, ये आई गेस 17th व्लॉग है या 16th व्लॉग है अभी। यार मेरे को पता है बहुत सारे लोग ना व्लॉग्स देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी दबा दो ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन आए। अच्छा लगता है आप लोग इतना सपोर्ट करते हो। बाकी मैं आपको बता दूं मैं रोज 3 कमेंट ब्लॉग के लास्ट में फीचर करता हूं, 1 कमेंट मैं पढ़ता हूं और 10 कमेंट के मैं डेली रिप्लाई करता हूं। तो किस चीज की वेट करो, फटाफट से जाओ लाइक करो कमेंट करो एंड हो सके तो ब्लॉग को शेयर भी करो। अच्छा लगता है आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, प्यार करते हो। आई लव यू, लव यू। बहकी सभी जुबां है हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है तुम रह सकी तो रब।